सपा नेता और पूर्व सांसद आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। उन्हें 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल कैद की सजा के बाद विधायकी रद्द कर दी गई, जिसके बाद उनकी सीट पर 10 मई को उपचुनाव होने वाले हैं। आजम खान के बेटे इस सीट से लगातार 2 बार विधायक चुने गए। दोनों ही बार उनकी सदस्यता कोर्ट के आदेश से रद्द हो गई थी। यही वजह है कि आजम खान का गढ़ माने जाने वाले रामपुर के स्वार सीट के उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब रामपुर की स्वार सीट पर सपा की तरफ से अनुराधा चौहान मैदान में उतरी हैं, तो वहीं अपना दल एस की तरफ से शफीक अहमद अंसारी को प्रत्याशी बनाया गया है। इस सीट के उपचुनाव काफी ज्यादा रोचक होने वाले हैं। अनुराधा चौहान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन बनकर वोट मांग रही हैं। उनकी रणनीति हिंदू वोट के बंटवारे की है। अनुराधा चौहान जिला पंचायत की सदस्य रही हैं। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद मिला हुआ है, वह उन्हें अपना बड़ा भाई बताती हैं। जबकि मुस्लिम वोट के बंटवारे के लिए अपना दल ने यहां से शफीक अहमद अंसारी को अपनी उम्मीदवार बनाया है। यूपी में अपना दल और बीजेपी गठबंधन में है। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार अनुराधा चौहान भी हिंदू बहुल इलाके में ही ज्यादा प्रचार कर रही हैं। योगी का गुणगान करने के पीछे एक रणनीति है। अनुराधा चौहान को लगता है कि ऐसा करने से स्थानीय पुलिस प्रशासन का डंडा उन पर नहीं चलेगा। ऐसा माना जाता है कि उपचुनाव में जिस पार्टी की सरकार होती है उसे थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। अनुराधा घर घर जाकर वोट मांग रही हैं, लेकिन सीएम योगी की बुराई करती हुई नजर नहीं आती हैं। हालांकि यहां सीएम योगी ने चुनाव प्रचार नहीं किया है, इसे अनुराधा को लगता है कि उन्हें फायदा मिलेगा। हिंदू वोट का बंटवारा होने का सीधा लाभ अनुराधा के पास ही जाएगा। आपको बता दें कि स्वार सीट पर सबसे ज्यादा प्रभाव आजम खान का रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रचार की अगुवाई भी वही कर रहे हैं। आजम इस बार बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि वे शफीक की सच्चाई लोगों को बता रहे हैं। इसके साथ ही वे लोगों के साथ इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। वे लोगों से कह रहे हैं कि जिस शफीक ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक वक्त पर शफीक को आजम खान का करीबी कहा जाता था। इस चुनाव में प्रयास किया जा रहा है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ना हो। इस सीट पर जीत दर्ज करना दोनों पार्टियों के लिए क्यों जरूरी है? स्वार सीट पर आजम खान प्रचार कर रहे हैं ताकि ये सीट एक बार फिर समाजवादी पार्टी की झोली में जा सके। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी स्वार उपचुनाव को बहुत महत्व दे रहे हैं, क्योंकि अगर इस सीट पर अपना दल एस जीतने में कामयाब होती है तो ये साबित हो जाएगा कि रामपुर अब आजम खान का गढ़ नहीं रहा। अगर इस सीट से अनुराधा चौहान जीतती हैं तो ये आने वाले लोकसभा के लिए स्पष्ट संकेत माना जाएगा कि यूपी की मुस्लिम वोटर्स आज भी समाजवादी पार्टी के साथ ही हैं। वहीं अगर इस सीट पर अपना दल एस जीतता है तो बीजेपी समझ जाएगी कि उनकी रणनीति काम कर रही है और पासमानदा समाज के लोग अब बीजेपी का साथ दे रहे हैं। इस खबर में इतना ही। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।